हार्दिक पांड्या, ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने किया रिलीज, इन 19 खिलाड़ियों को भी टीम से किया बाहर। दोस्तों, आईपीएल की सबसे सफल टीमों में एक मुंबई इंडियंस आगामी मैच के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में 5 खिताब जीतने वाली दूसरी टीम है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम ने 2024 के आईपीएल में बहुत खराब प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस की टीम 3 बड़े खिलाड़ियों को करेगी रिटेन, इसके अलावा सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। आईपीएल 2025 से पहले टीम मैनेजमेंट ने 19 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया। दोस्तों, वह कौन कौन से प्लेयर है जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इन दोनों ने आईपीएल 2024 में बहुत खराब प्रदर्शन किया था। ईशान किशन ने 2024 के 14 पारियों में 320 रन ही बनाए। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2024 के 14 मैचों में टोटल 210 रन किए। इसी वजह से इन दोनों प्लेयर को मुंबई इंडियंस की टीम रिलीज करने वाली है। 2025 के ऑक्शन से पहले ये 3 खिलाड़ी होंगे रिटेन। इस सूची में नंबर 1 पर है रोहित शर्मा, एक खतरनाक बल्लेबाज भी है। हाल ही में वर्ल्ड कप की कप्तानी भी की है और ट्रॉफी में कब्जा भी किया। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2024 के 16 मैचों में 417 रन ठोके, वही 6 अर्धशतक भी शामिल है। रोहित शर्मा के इतने अच्छे प्रदर्शन के कारण मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी। वहीं दूसरे नंबर पर होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का आईपीएल करियर बहुत शानदार रहा, लेकिन आईपीएल 2024 के 11 मैचों में 345 रन किए। हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सूर्य कुमार यादव बन सकते हैं मुंबई इंडियंस का नया कप्तान। नंबर 3 पर रिटेन होने वाले हैं भारतीय टीम के पेसर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल करियर में 165 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट झटके और कई बार भारतीय टीम को हारी हुई बाजी जिताई। दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।